आते हैं, अब यहाँ नबी ना होते कुछ ना होता, नबी ना होते आदम ना होते, नबी ना होते तो ईसा ना होते, नबी ना होते तो आदम ना होते, नबी ना होते तो इब्राहिम ना होते, नबी ना होते तो इस्माइल ना होते, बल्कि यूं कह ले मेरे नबी ना होते तो दुनिया का वजूद ना होता। नबी के आने से दुनिया के वजूद को बनाया गया। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अगर बात सच्ची है तो बारहवीं का झंडा अपने हाथों को बनाए और तो फिजा में लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी की शान तो ये है, इसीलिए तो माला हजरत की जुबान में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनाव तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, मुंह में जुबान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लिहाजा आप नबी के मीलाद में बैठे हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं तुम लोग जो नबी के मीलाद में मुकम्मल तरीके से शिरकत करते हैं। हर पट्टी का सुन्नी जन्नती मुसलमान जानता है, अगर अराकी ने कमेटी या पट्टी के लोग जलसे को आज की रात में ना सताते तो आज की रात हम अपनी बिस्तर पे काट सकते थे। आपका जी एहसान है कि अल्लाह ने हमारे और आपके मुकद्दर में इस रात को लिखा है। इस रात की बरकत से अगर अल्लाह ने इस रात को कबूल फरमा लिया तो मेरा ईमान कहता है हम जमीन के ऊपर रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद कब्र में पहुंचेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, कब्र से निकाल कर मैदान महशर में पेश किए जाएंगे तब भी कामयाब रहेंगे। अब यार हम तो दुनिया वालों से कहते हैं उफ़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना होते तो खुशहाली नहीं होती। जरा मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह, सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की हम सबका ईमान ये कहता है, ना होता गुम्बदे खदरा तो हरियाली नहीं होती, ना होता गुम्बदे खदरा तो हरियाली नहीं होती। मैं पट्टी के तमाम तर सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपने घरों में आराम कर रहे हैं, आराम करने से फारिग हो चुके हों तो नबी के मिलाद में मुकम्मल तरीके से शिरकत कर ले। जो मेरे भाई मकानों की दीवार पर बैठे हैं, अफसोस इस बात का है कि नबी का मिलाद यहाँ हो रहा है, आप कितनी दूर बैठे हैं, एक झलक आप लोग इनको देख रहे हैं, कितने अकलमंद लोग बैठे हैं, सबकी उम्र तकरीबन 25 साल से ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये लोग दीवार का सहारा अभी भी लेकर बैठे हैं। नबी का वास्ता है जिस नबी के मिलाद के सबके में अल्लाह ने संसार को सजाया है। पट्टी के हर सुन्नी जन्नती मुसलमान से गुजारिश करता हूँ, अगर अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं तो मिलाद रसूल में तशरीफ रखेंगे। अभी यार कोई देखे या ना देखे, मदीने शरीफ से मेरे आका देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, बगदाद से सरकारे गौसे पाक देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, अजमेर शरीफ से गरीब नवाज देख रहे हैं, अभी यार कोई देखे ना देखे, कलियर से अलाउद्दीन साबिर कलियरी देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, बरेली शरीफ से सरकारे आला हजरत देख रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जितने लोग दीवार से निकल कर गए वो मेरी आंखों से छुप गए, मैं जानता हूँ मैं देखूं या ना देखूं मदीने शरीफ से आका देख रहे हैं, लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से मुकम्मल तरीके से महफिल पाक में बैठ जाएं और सनाखान मुस्तफ़ा से नात और मनकबत के अशआर सुन लें, अदब के साथ बैठे, नबी का ये जलसा है। अभी यहाँ नबी के मिलाद में हर शख्स नहीं आता, नबी के मिलाद में वही लोग आते हैं जिन्हें मेरे आका बुलाते हैं। किसी शायर ने कहा था महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ तमाम तर सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों से आप तातून बिल्कुल ना करें। इस महफिल पाक का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कुरान से हो चुका है, वो कुरान जिसका पढ़ना सवाब, वो कुरान जिसका सुनना सवाब, वो कुरान जिसका सीने से लगाना सवाब, वो कुरान जिसका चूमना सवाब, वो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा से इस महफिल का आगाज हो चुका है। आप जितनी जल्दी
तशरीफ लेकर के आएंगे उतनी जल्दी किसी मेहमान शायर को आपकी समातों के हवाले किया जाएगा। अगर बात सच्ची है तो चार मिसरे सुन ले, उसके बाद शाहकारे तरन्नुम को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तेरा मिसरे सुनने से पहले तेरा नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुस्तहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुस्तहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे, जो भी करता है सहाबा के तबर्रे वादी उसको फारूक के तुर्रे से अली मारेंगे, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रे वादी उसको फारूक के तुर्रे से अली मारेंगे, उसको फारूक के तुर्रे से अली मारेंगे। अली का जिक्र आया, आका हसन हुसैन के वालिद का जिक्र आया, नबी के प्यारे सहाबी का जिक्र आया, तो शेर सुन ले, गर्म दीवारों के साए में था अख्तर का मिजाज, कर दिया ठंडा अली ने बाबे खैबर का मिजाज। बात सच्ची है तो मोहब्बत से कह दे या अली, हाथ उठाकर बोले या अली, या अली, दीवारों के साए में था अख्तर का मिजाज, कर दिया ठंडा अली ने बाबे खैबर का मिजाज। मुस्तफा ने इसलिए हैदर से सोने को कहा, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का मिजाज, मुस्तफा ने इसलिए हैदर से सोने को कहा, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का मिजाज, मेरे आका जानते थे अपने बिस्तर का मिजाज। आइए हजरात, अमल बिना ताकीद आपकी समातों के हवाले अपनी जमात को उस अजीब लहजे से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए, जो आपके पट्टी के गांव से मुत्तसिल एक जमीन पर रहने वाला, जिनको दुनिया शाशिते महबूबे सुभानी हजरत राशिद निजामी जितौवा बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले और पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल कर ले। अगर बात सच्ची हो तो इन मिसरों के साथ बोले कि मेरे सरकार के रोजे पे जो दीवाने जाते हैं, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, कि मेरे सरकार के रोजे पे जो दीवाने जाते हैं वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं, कि मेरे सरकार के रोजे पे जो दीवाने जाते हैं वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं। कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, वहां भी अपने पैजामे से ही पहचाने जाते हैं। कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, वहां भी अपने पैजामे से ही पहचाने जाते हैं। आइए अपने मेहमान शायर राशिद निजामी का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। कोई देखे ना देखे नबी देख रहे हैं, किसी को मनाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को बारहवीं का झंडा बनाए और नबी की मोहब्बत में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जय जलील मीलादुन नबी, जश्न आमद मुस्तफा, मिसल के आला हजरत, सरजमीन पट्टी, शहंशाह ग्रामीण राशिद निजामी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खैरात मांगता हूँ खुदा ना अता करे, सरकार दस्ते पाक से टुकड़ा अता करे, अब आपके फिराक में रोता नहीं है दिल, या रसूल अल्लाह इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करे।